इसे हमने आई मान लिया है। अभी तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसका जो आर्गुमेंट नीचे एक्स माइनस ए है ऐसा ही आर्गुमेंट ऊपर पहुंचाएं और यहाँ आर्गुमेंट सिंगल रहे तो हमारा काम चल सकता है। मतलब एक्स माइनस ए को हम टी मान लें और एक्स का मान निकाल के यहाँ रख दें तो हमारा काम चल सकता है। माना एक्स माइनस ए बराबर टी, यानी डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी। यहाँ से एक्स बराबर टी प्लस ए आएगा और गो हम यहाँ रख देते हैं तो आई बराबर साइन टी प्लस ए बटे साइन टी डी टी। अब साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा के हम इसको सूत्र लगा के इसको खोल देते हैं और बटे में जो साइन टी आ रहा है उसे भाग दे करके इसको सरल करते हैं। साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए बटे साइन टी डी टी बराबर, यानी अलग अलग करके लिखेंगे ये कटेगा, तो कॉस ए डी टी प्लस साइन ए, ये कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं इसको, कॉस टी अपॉन साइन टी, तो कॉट टी आ जाएगा डी टी और ये लॉग साइन टी हो जाएगा। चाहे तो हम इसे साइन टी को टी मान के कर भी सकते हैं लेकिन यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है तो कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। ये मान यानी टी के मान रखने हैं इसमें, आई बराबर ये आ गया है तो टी का मान जो है एक्स माइनस ए रख देंगे, एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। दिस इज अवर आंसर।